आज की होम रेमेडी है उच्च रक्तचाप के लिए, हाई बीपी के लिए। आपको लेना है एक प्याज, और प्याज को आप छील लेना, और छीलने के बाद प्याज को धो लेना, और मोटी वाली जो साइड होती है उससे आपने इसको कस लेना है। प्याज का रस खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके दिल के दौरे को रोकता है। प्याज नर्वस सिस्टम के लिए एक टॉनिक का काम करता है। प्याज खून साफ करने वाला तथा पाचन में बहुत ही सहायक होता है। हृदय की क्रिया को सुधारने वाला तथा अनिद्रा को रोकने वाला है प्याज। तो जो भी दिल की परेशानी होती है उसमें प्याज का रस बहुत ही फायदा करता है। तो प्याज को हमने मोटी वाली साइड से ग्रेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि प्याज का हमने रस निकालना है। तो वीडियो पूरी देखा कीजिए, आधी अधूरी जानकारी आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकती है। तो प्याज का रस में कपड़े से, साफ सुथरे कपड़े से आप प्याज का रस निकाल लेना, जिस तरह से मैं निचोड़ रही हूँ। मिक्सी में भी आप पीस सकते हैं, पर एक प्याज है, थोड़ा सा पीसना मुश्किल होगा क्योंकि ये आपने डेली बनाना है। अब देखिए, जो बाकी प्याज बचा है इसको आप सब्जी में, दाल तड़के में यूज़ कर सकते हैं। अब प्याज के रस को हमने पहले मेज़र करना है, तो हमने लेना है 3 टीस्पून, यानी जो आपके घर में जो खाने वाला चम्मच है उससे भी नाप सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक चीज़ और डालेंगे हम, तो बराबर मात्रा डलेगी दोनों चीज़ों की। तो 3 टीस्पून है, 3 टीस्पून वो मैं प्याज का रस ले रही हूँ, और 3 टीस्पून ही हम लेंगे शहद। शहद शुद्ध होना चाहिए, छोटी मक्खी वाला। शहद रक्त वाहिनियों की उत्तेजना घटाकर, उनको सिकोड़ कर उच्च रक्तचाप घटा देता है। शहद के प्रयोग से हृदय सबल और सशक्त बनता है। तो शहद हम क्यों डाल रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो शुद्ध शहद लेना हो तो मैं आगे वीडियो में उनका नंबर दे रही हूँ, मैं भी ज़्यादातर उन्हीं से मंगाती हूँ। यहाँ आप ऐड मत समझिएगा, लोगों के कमेंट आने लग जाते हैं कि आप ऐड कर रहे हो, आपकी मर्जी हो, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ आपको कि आपको इन्हीं से लेना है। अब देखिए, दोनों की मात्रा हमने बराबर कर ली, शहद और प्याज के रस की। अब आपने लेना है 10 ग्राम, एक दिन में 10 ग्राम लेना है। दोनों की मात्रा मिला लेना पहले, प्याज और शहद दोनों बराबर होने चाहिए। जब बराबर मिला लोगे तो आपने 10 ग्राम की मात्रा दिन में बस एक बार लेनी है। खाली पेट खाना खाने के बाद कभी भी आप ले सकते हैं, खाली पेट वैसे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खाली पेट ज़्यादा असर करती हैं दवाइयाँ। और आप इसको एक वीक तक लगातार ले सकते हैं, दिन में एक ही बार लेना है। आपको जब फ़ायदा होने लगे तो आप इसको थोड़ा और भी ले सकते हैं, और बीच में आप गैप करके दोबारा इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।